hey kiddos i'm dr gargi singh your biology educator and i'm back with another bio bite Uh, मतलब छोटा सा एक सेशन जिसमें मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करूंगी कुछ ऐसी टर्म्स की बात करूंगी जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो तो तुमने एक सेशन देख लिया होगा आई होप कि तुमने देखा हो और बताना मुझे कैसा लगा ये भी बताना कैसा लगा ना आज का जो सेशन है उसमें मैं बात करूंगी इन सी टू एंड एक्सी टू कंजर्वेशन जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार मैंने बच्चों को बोला कि मैम एक बार समझा दीजिए एक एक्सी टू एंड इन सी टू कंजर्वेशन क्या होता है सबसे पहली बात तो कंजर्वेशन क्या है कंजर्वेशन इज़ हमें जो हमारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बच्चों यू you नो know, जिनका पॉपुलेशन कम हो रहा है उनको कंजर्व करना है उनको बचाना है तो उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे ठीक है इसमें प्लांट भी आएंगे एनिमल भी आएंगे माइक्रोब्स भी आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये प्लांट और एनिमल के लिए कर रहे हैं ओके हम जिस स्पीशीज़ को बचाना चाहते हैं जिसका नंबर कम हो रहा है उसको बचाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कंजर्वेशन कंजर्वेशन के दो अप्रोच approach, दो अप्रोचेज़ हैं आपके आर टू अप्रोचेस एक होता है कि uh, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ जो उनकी नेटिव जगह होती है ना वहीं पर रह सकते हैं अगर हम उनको वहाँ से उठा के कहीं और ले जाएंगे तो वो नहीं सर्वाइव कर सकते तो उनको वहाँ तो कंजर्व नहीं करा जा सकता देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्या हैं मान लो ये मैंने हिल्स बनाए हैं स्नो कवर्ड हिल्स हैं यहां कौन मिलेगा ये दिस इज योर पोलर रीजन यहां मुझे पोलर बैर मिलेंगे लेट अस से यहाँ पे मुझे पोलर बैर मिलेंगे ठीक है ओके यस पोलर बैर मिलेंगे नाउ अब ये जो आपके पोलर बैर हैं जस्ट इमेजिन पोलर बैर का जो नंबर है वो भी कम होता जा रहा है क्या ये एक अक्लमंदी की बात होगी कि मैं इनको यहां से उठा के किसी ऐसी जगह पे ले जाऊं जहां पर ठंडी नहीं होती क्या ये वहाँ पे सरवाइव करेंगे नहीं तो मुझे इनको इनके नेचुरल हैबिटेट हैबिटेट में ही कंजर्व करना पड़ेगा मुझे उस एरिया को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मुझे उस एरिया में ही इस तरह के कंडीशन बनाने पड़ेंगे कि मेरा जो पोलर बैर है वो बच जाए ठीक है उसको कोई उसका जो यू नो नंबर है वो डिक्रीज ना हो वो बढ़े समझ रहे हो मेरी बात तो जब हम इस तरह का अप्रोच लाते हैं उसको हम बोलते हैं इन सी टू कंजर्वेशन ऑन साइट कंजर्वेशन एंड दी स्पीशीज जो सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती हैं जो किसी और दूसरी जगह पर सर्वाइव नहीं करते उनको हम एंडामिक स्पीशीज बोलते हैं क्या बोलते हैं एंडामिक स्पीशीज बोलते हैं ऐसे प्लांट भी हैं ऐसे एनिमल्स भी हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर मिलते हैं कहीं और तुम्हें मिलेंगे नहीं यू नो मैनी एग्जाम्पल्स जैसे मैंने एक पोल पोलर वेब बोल दिया जैसे यू uh, नो you know, आपके पेंगविन्स हो गए दर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल प्लांट में भी बच्चों एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको uh, जो माउंटेन में प्लांट मिलेंगे वो आपको प्लेन में नहीं ग्रो कर सकते ठीक है मोस्ट ऑफ द प्लांट वो आपके प्लेन में ग्रो नहीं कर सकते तो बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के है ना किसी चीज़ को गर्मी चाहिए किसी चीज़ को ठंडी चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको uh, इतना फर्क नहीं पड़ता उनके साथ हम एक सी टू कंजर्वेशन कर सकते हैं दैट इज ऑफ साइट कंजर्वेशन तो उनको हम वहां से ले जाकर किसी प्रोटेक्टेड एरिया में रख सकते हैं जैसे जूज होते हैं ठीक है जूलॉजिकल पार्क होते हैं या बोटेनिकल गार्डन्स वहां पे हम क्या करते हैं कहीं और से प्लांट लेकर आते हैं और बोटेनिकल गार्डन में उसको कंजर्व करते हैं तो सबसे पहली बात तो वॉट इज ऑन साइट कंजर्वेशन या फिर इन सी टू कंजर्वेशन ऑन साइट कंजर्वेशन कौन सी है इन सीटू ठीक है ऑन साइट मतलब आप जो ऑर्गेनिज्म है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हो आप उसको कहीं और नहीं लेकर जा रहे क्यों क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव है वो कहीं और नहीं रह सकता है ना वो कहीं और नहीं रह सकता डन मैं यहां लिख दू कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट मेरे पास ना इसका एक मैं जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते हो मैं एक ट्रिक बताती हूँ उनको कि यूट्यूब इज़ योर इनसी टू कंजर्वेशन ठीक है यूट्यूब तुम्हारा ये तुम्हारा नेचुरल हैबिटेट है ठीक है लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाती हूँ स्पेशल क्लास के लिए है ना वो क्या हो गया एक्सी टू कंजर्वेशन हो गया दैट इज़ नॉट योर नेचुरल जगह है ना वो आपका नेचुरल स्पेस नहीं है लेकिन बच्चों वो भी ज़रूरी है है ना तो एक्सी टू कंजर्वेशन भी ज़रूरी होता है तो जब हम एक एनिमल को या एक प्लांट को उसके नेटिव उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर कहीं और लेकर जा रहे हैं उसी की भलाई के लिए कि वो बच जाए ठीक है कि वो बच जाए उसकी स्पीशीज कम ना हो उसको हम बोलते हैं एक्सी कंजर्वेशन जैसे कि जब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि आ जाओ बच्चों हम ये वाला जो क्विज़ है उसको स्पेशल क्लास पे करेंगे वो तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें वहाँ बुला रही हूँ बट दैट इज नॉट योर नेचुरल हैबिटेट है ना तो ये हो गया एक्सी कंजर्वेशन तो ये क्या है बच्चों ऑफ साइट कंजर्वेशन दिस इज वॉट ऑफ साइड कंजर्वेशन आप उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से कहीं और लेकर जा रहे हो ठीक है सो आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रख रहे हैं ओके okay, अब क्वेश्चन ना इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल कि बताओ इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्स एक्सी टू कंजर्वेशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है इन सी टू कंजर्वेशन का सो नाउ आई हैव द एग्जाम्पल्स आई हैव ऑल द एग्जाम्पल विच आर गिवन इन योर एनसीआर टी इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है तो भाई देखो क्या है इन सी टू कंजर्वेशन में आपके पास है बायोस्फेयर रिजर्व हमने क्या करा उस वो जो जगह थी उसी को रिजर्व कर दिया वहीं पे लिमिटेशन लगा दी वहीं पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि यहाँ पे ये एक्टिविटी हो पाएगी ये नहीं हो पाएगी सो so दैट जो मेरा एनिमल है मेरे जो प्लांट है वो प्रोटेक्टेड रहे बचे रहे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रोव्स ये सब एग्जाम्पल हैं इन सी टू कंजर्वेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सी टू कंजर्वेशन में क्या आएगा जहाँ पर भाई वो उसकी नेचुरल जगह नहीं है तुम उठा के ला रहे हो कहाँ से जुलॉजिकल पार्क आ जाएगा बोटानिकल गार्डन्स आ जाएगा वाइल्ड लाइफ सफारीज आ जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाएगा जब आप बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में आप रख देते हैं किसी सीड को रख दिया ठीक है तो वो क्या हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया जम प्लाजम को रख लिया किसी प्लांट के तो वो क्या हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया एंड दैट इज़ ऑल्सो आप फील्ड में तो नहीं रख रहे जहाँ वो नेचुरली प्रेजेंट है वहाँ नहीं रख रहे है ना जैसे सीड बैंक्स हैं वो भी क्या है बच्चों आप कहीं और जाकर रख रहे हो ना सीड को सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सी टू कंजर्वेशन प्लीज याद रखना इस पे आपका क्वेश्चन आता ही है तो चार नंबर का क्वेश्चन आई थिंक आज हमारा एकदम सॉर्ट आउट हो गया हमारी पॉकेट में ये चार नंबर चले गए ये चार नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स की येस yes, मैम uh, समझ में आया और आज के बाद इन सी टू एक्सी टू में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी ठीक है इन सी टू जो आपकी अपनी जगह है यूट्यूब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सी टू तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम्हें तुम्हारी नेचुरल हैबिटेट से उठा के कहीं और लिया जा रहा है जैसे कि स्पेशल क्लास वहाँ पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उसके बिना नीट क्लियर नहीं हो सकता यस एंड बच्चों अगर आप चाहते हो कि आपके नीट की प्रिपरेशन और भी ज्यादा बूस्ट हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लस पे जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं जहां पे आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा उसका टेस्ट होता है एंड यू कैन यूज़ माई कोड गार्गी जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा आपको बच्चों मेरे गाइडेंस मेरे मेंटोरशिप में मेरा जो पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप है मैं उसमें आपको ऐड कर लूंगी यू be connected कनेक्टेड टू मी कोई भी दिक्कत होगी यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं या फिर इससे भी बेहतर है आइकॉनिक जिसमें आपको थोड़े और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आपको पर्सनल गाइडेंस वहाँ पर मिल जाता है वहाँ पर आपको स्टडी प्लानर मिलता है बच्चों जो आपके साथ बाई वीकली रिव्यूज़ करता है अगर आप कहीं पर अटके हुए हैं